सी वर्मा सिंपल हार्मोनिक मोशन का न्यूमेरिकल 38, अ स्मॉल ब्लॉक ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ ऑन स्मूथ कॉनकेव सरफेस ऑफ रेडियस आर, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। तो यहाँ पे जो फिगर दिए 38 में, यहाँ पे कॉनकेव सरफेस दिया हुआ है, स्मूथ कॉनकेव सरफेस, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास एम होगा, और ये नीचे नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और ये जो कॉनकेव सरफेस दिया है इसे अगर हम एक्सटेंड करेंगे इसे पूरा, तो उसकी जो स्पीयर बनेगा और उस स्पीयर की जो रेडियस बनेगी वो रेडियस यहाँ पे हमें आर दी हुई है। अभी नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी के कारण, क्योंकि यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर जी होगा तो ए इसका कंपोनेंट, ये एंगल कितना होगा, ए थीटा है, तो ए थीटा होगा, तो ये होगा जी कॉस थीटा, तो इस साइड में होगा जी साइन थीटा, इस साइड में होगा जी साइन थीटा, मतलब ये नीचे आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी है, तो ए एम जी साइन थीटा, ये फोर्स उसे इस डायरेक्शन में ला रहा है, तो जैसे जैसे नीचे आएगा इनिशियली तो वो रेस्ट में होगा, जैसे आ रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब वो एक्सेलरेट हो रहा है, तो नीचे आते हुए एक्सेलरेट हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी बनेगी, तो वेलोसिटी बन रही है इसलिए वो ऊपर चला जाएगा, फिर पोटेंशियल एनर्जी कहीं पर रुक जाएगा तो वापस आ जाएगा, इस तरह से वो यहाँ पे ऑसिलेट हो रहा है। तो ये ऑसिलेट करने वाला जो फोर्स होगा, ड्राइविंग फोर्स, वो कौन है, तो ये एम जी साइन थीटा, ये होगा एम जी साइन थीटा। अब ये फोर्स के कारण ये एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब ये मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए एम जी साइन थीटा। अब ये एम गया, मतलब ये ए कितना रहा, जी साइन थीटा। अब इस मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन तब कह सकते हैं जब ये यहाँ पे ऑसिलेट जो स्मॉल एंगल से हो रहा है, मतलब ये थीटा स्मॉल होना चाहिए, फॉर एस एच एम थीटा स्मॉल होगा, अगर थीटा स्मॉल होगा तो फॉर स्मॉल एंगल हम साइन थीटा को लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो ये इक्वेशन बनेगा, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी, और साइन थीटा की जगह पे आएगा थीटा। अभी थीटा क्या होता है कि जैसे कि सर्कल में यहाँ पे आर, जब अगर थीटा होता है, ये रेडियस आर होता है और इसके लेंथ सपोज एस है, तो ये तीनों में रिलेशन होता है, एस इज इक्वल टू आर थीटा, या थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, या अगर ये ऑलमोस्ट ये एक्स एक्सिस है, इसके कारण यहाँ पे एक्स अपॉन आर भी लिखेंगे। तो ये इक्वेशन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी इंटू थीटा की जगह पे लिखेंगे एक्स अपॉन आर। अब हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड के लिए हम क्या देखते हैं कि एक्स अपॉन ए क्या है, तो इस इक्वेशन से ये एक्स, ये ए यहाँ पे आएगा तो R ऊपर चला जाएगा और G डिवाइड होगा, तो टाइम पीरियड में यहाँ पे 2 पाई अंडर रूट x अपॉन A, हमें A चाहिए होता है, x डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, तो ये यहाँ पे मिल गया हमें, इसकी वैल्यू है R अपॉन G, तो ये यहाँ पे पुट करेंगे तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट R अपॉन G, तो ये होगा टाइम पीरियड।